हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दो वीडियो यहाँ पर कल बनाई थी। ओके, यहाँ पर कृति इंडस्ट्री से रिलेटेड, इसमें मैंने आपको बता दिया था यहाँ पर नहीं खरीदना, नीचे आया था तो यहाँ पर आज गिरता हुआ दिखाई दिया शेयर। यहाँ बस अपनी नजरों में रखना। इसके अलावा यहाँ पर आरजे के पोर्टफोलियो का स्टॉक से रिलेटेड बातें करी थी, आज वो 4.5% यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया। और कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पर गर्मियों के स्टॉक्स बताए थे, आया गर्मी देखिए, यहाँ पर सिम्फनी और ब्लू स्टार आज लगभग 4-5% ये भी शेयर यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया। इसी तरीके से यहाँ पर बेहतरीन शेयर आपको बताए जाते हैं, यहाँ पर मैक्रोटेक बताया गया था, वो भी भागता हुआ दिखाई दिया। तो आज भी मैं आपके लिए दो दो शेयर से रिलेटेड आज वीडियो में बात करेंगे, बट अलग अलग एक एक शेयर में एक एक वीडियो कवर करेंगे। तो सबसे पहले जिस शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले उससे रिलेटेड बातें करेंगे, बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर आपका चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन, और जितना हो सके सपोर्ट करने की कोशिश करिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, दूसरी वीडियोस को जाके देखिएगा, लाइक करिएगा और सीखने की कोशिश करिएगा। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, और खुद की स्टडी यहां पर आपको करनी है और हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाना है तो ये पर्टिकुलर नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जिस स्टॉक से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं उसका नाम सिम्फनी नहीं है, याद रखिए, सिम्फनी बताया था आपको, बस जस्ट फॉर नॉलेज यहाँ पर ये बताया गया है। तो जिस स्टॉक से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कौन सा स्टॉक्स है उससे रिलेटेड यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर है जेपी पावर। जेपी पावर से रिलेटेड हम यहाँ पर वीडियो बनाने जा रहे हैं, और इस स्टॉक्स में यहाँ पर आपको अच्छे खासे यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से ले लीजिए या लॉन्ग टर्म के पर्पज से ले लीजिए। तो लॉन्ग टर्म की तो बात नहीं करूंगा क्योंकि लॉन्ग टर्म के पर्पज के हिसाब से ये शेयर है ही नहीं, बट यहाँ पर शॉर्ट टर्म के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर आपको बेहतरीन रिटर्न 20-30% के जो हमारा टारगेट रहता है वो ईजिली मिलते हुए नजर आएंगे। लॉन्ग टर्म के पर्पज से ये शेयर क्यों नहीं है, तो इसका रीजन सिंपल है। जो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर गूगल पे जेपी पावर डालेंगे और यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न पर डालेंगे तो ये देखिए, तो ये शेयर कभी यहाँ पर कितने रुपए पे हुआ करता था, लगभग यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो 100 से ऊपर 150 रुपए के आसपास चला करता था, और यहाँ पर आज की डेट में 7 रुपए पे ये शेयर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म के पर्पज से नहीं, शॉर्ट टर्म के पर्पज से यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, वो क्यों उससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं। सबसे पहले जेपी पावर की अगर बात करूँ तो ये बार बार मैंने काफी बार स्टॉक्स बताया है, और जेपी पावर यहाँ पर जब 3 रुपए पे था तब भी बताया था, उसके बाद 3 रुपए से ये यहाँ पर 11.20 रुपए पे गया, उसके बाद यहाँ पर 7 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जेपी पावर, तो जेपी पावर का बिजनेस मॉडल काफी बेहतरीन यहाँ पर नजर आता है। देखिए हर जगह पावर से रिलेटेड बातें हो रही है, यहाँ पर हाइड्रो पावर से रिलेटेड बातें हो रही है, थर्मल पावर से रिलेटेड बातें हो रही है, एज वेल एज ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड भी बातें हो रही है। जब ये सारी बातें हो रही है तो ये जो कंपनी है जो ऑलरेडी यहाँ पर इनके पास कैपेसिटी है, तो यही कंपनी ज्यादा काम करती हुई दिखाई देती हुई नजर आ सकती है। और जब इनके नंबर बोल रहे हो तो फिर इनमें इन्वेस्ट करना ठीक रहता है। वी आर इन द इंडियन पावर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड 21 दिसंबर 1994 एंड दैट इज पार्ट ऑफ द इंडियाज लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ग्लोमेरेट, क्योंकि जेपी ग्रुप से रिलेटेड है। और जेपी ग्रुप की बात करें तो काफी सारे सेक्टर में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, जैसे कि यहाँ पर अगर देखें इज डाइवर्सिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया विद इंटरेस्ट इन सिविल इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, सीमेंट, पावर, रियल इस्टेट एंड एक्सप्रेस वे, हॉस्पिटैलिटी, फर्टिलाइजर, हेल्थ केयर, सपोर्ट एंड एजुकेशन, मतलब इनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, वो आप सभी को पता ही है। यहाँ पर देखेंगे तो ये सारे के सारे ग्रुप की कंपनी से रिलेटेड यहाँ पर बातें की जा रही है। तो हम यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं इसके बिजनेस की, तो यहाँ पर पावर जनरेशन से रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, जिसमें हम बात करें अभी इन्होंने पूरी अपनी ये चेंज कर दिया है, तो यहाँ पर इनकी वेबसाइट थोड़ी सी डल नजर आती थी, यहाँ पर देख सकते हैं द 10th 5-year प्लान सॉ एन एडिशनल ऑफ 19,011 मेगावाट टू द कंट्रीज नेशन ग्रिड। तो यहाँ पर कंपनी अपने एक्सपेंड अगर बात करें अपनी इनका कैपिटल, अपना जो इनका प्लान है, इनका जो व्यू है आने वाले टाइम में इनकी कैपेसिटी इंक्रीज करने का भी है, तो इनकी वेबसाइट पर जाके एक बार यहाँ पर विजिट कर लीजिएगा तो आपको पूरी का पूरा आइडिया लगता है वो नजर आएगा। इन शॉर्ट कंपनी काम किसमें करती है, जनरेशन ऑफ पावर इंक्लूडिंग हाइड्रो एंड थर्मल एंड सीमेंट ग्रीडिंग एज वेल एज कैप्टिव कोल माइनिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ पावर में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो इससे शेयर को लेने के पीछे क्या रीजन है, तो इसके कुछ फाइनेंशियल से रिलेटेड हम बातें करेंगे तब आपको आइडिया लगेगा। मार्केट कैप की बात करें तो देखिए 4818 करोड़, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है। ओके, इसके अलावा पी की बात करें 21 के पी पर शेयर ट्रेड कर रहा है और इंडस्ट्री का पी 66 है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कंपनी यहाँ पर सस्ते में यहाँ पर आपको मिल रही है। इसके अलावा कंपनी का शेयर का प्राइस चल रहा है 7 रुपए और यहाँ पर बुक वैल्यू देखें तो 15 लाख
लगभग दुगना, तो यहाँ पर साफ नजर आता है कि आपका पैसा यहाँ पर दुगना होता हुआ नजर आ रहा है। इंट्रेंसिक वैल्यू 7.5 है, उससे भी नीचे ये शेयर यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। फेस वैल्यू 10 की है यहाँ पर, और कंपनी का शेयर 11 रुपए से 7 रुपए पे आया है। तो यहाँ पर आप इस शेयर की तरफ निगाहें बना सकते हैं। आरओसी आरओई कुछ खास नहीं है, ओके, बट फ्यूचर में शायद अच्छा हो सकता है। डेट की बात करें तो डेट में यहाँ पर केवल 50% का ही है। तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ऑलरेडी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, और कुछ और चीजें जब चार्ट पैटर्न पे आएंगे तो बात करूंगा मैं चार्ट टारगेट से रिलेटेड, बट अभी यहाँ पर इसके रिजल्ट देख लेते हैं। तो देखिए क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे तो कंपनी एक अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी 2019 में, अच्छा खासा यहाँ पर कंपनी के नंबर आए थे। उसके बाद थोड़े बहुत गिरते हुए नजर आए, बट जैसे ही पावर पावर और केवल पावर से रिलेटेड यहाँ पर बातें होने लग गई 2020 में 2021 में, तो शेयर सारे के सारे एक साथ भागते हुए नजर आए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 1401 करोड़ रुपए की यहाँ पर सेल्स है इस बार की, जो कि हाईएस्ट एवर सेल्स है। इसके अलावा कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 365 करोड़ रुपए है, जो कि अगर आप यहां पर देखेंगे क्वार्टरली बेसिस पे एज वेल एज ईयरली बेसिस पे हाईएस्ट एवर यहां पर नजर आता है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पे 24 से 26 हो गया, बट ईयरली बेसिस पे मार्जिन पे थोड़ा सा यहाँ पर इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आया है साहब। बट यहाँ पर कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट एज वेल एज सेल्स यहाँ पर हाईएस्ट एवर आई है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर हाईएस्ट एवर है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी जो लगातार घाटे में चल रही थी वो यहाँ पर अब देखिए प्रॉफिट में आ गई, और इस बार का जो प्रॉफिट था इसका, ओके, यहाँ पर आप देखिए 107 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 211 करोड़ का तो इससे भी ज्यादा है, बट 211 करोड़ में आप देखेंगे 236 करोड़ केवल अदर इनकम थी, इस वजह से यहाँ पर 211 करोड़ का यहाँ प्रॉफिट है। बट इस बार का प्रॉफिट आप देखेंगे तो इसका प्रॉफिट है 107 करोड़ रुपए का, जिसमें अदर इनकम कुछ खास नहीं है, 51 करोड़ रुपए की ही यहाँ पर अदर इनकम है। तो कंपनी यहाँ पर ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है। तो कंपनी यहाँ पर अच्छा यहाँ पर आपको इसी वजह से मैं इन्हीं चीजों को देख के यहाँ पर शॉर्ट टर्म में यहाँ पर टारगेट का पता चल जाता है कि यहाँ पर इतने परसेंट की रिटर्न हमें मिल सकती है। सेल्स की बात करें तो यहाँ पर सेल्स देख लीजिए 691 करोड़ से लेके धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आई है, बीच में यहाँ पर कम होती हुई नजर आई, बट अगेन कंपनी यहाँ पर 4000 करोड़ के आसपास आती हुई नजर आ रही है पिछले 12 महीने में। प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट जो कि कंपनी यहाँ पर बीच में बिल्कुल ही घाटे में चल रही थी पिछले इस साल 2021 के फाइनेंशियल ईयर में 267 करोड़ का प्रॉफिट, और पिछले 12 महीने में लगभग 321 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी जनरेट कर लिया है, जो कि यहाँ पर कंपनी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। और धीरे धीरे इस तरीके से परफॉर्मेंस देती रही तो अच्छा खासा यहाँ पर कंपनी परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। और कुछ ये जो प्रॉफिट है ये क्यों आया है उसके पीछे का रीजन बता दूं तो कंपनी का यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट, कंपनी यहाँ पर लगभग कितने 2600 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट पे किया करती थी कभी, और अभी देखिए इंटरेस्ट मतलब इन्होंने अपनी बोरिंग को कम किया है तो 554 करोड़ का ही यहाँ पर इंटरेस्ट पे कर रही है। अगर 554 करोड़ को भी यहाँ पर थोड़ी जो इनकी बोरिंग है वो कम कर लेना तो यहाँ पर और बेहतरीन यहाँ पर इनके नंबर्स आएंगे, जो कि कंपनी यहाँ पर काम भी कर रही है। बोरिंग कौन चुका रहा है, वही चुकाता है जिन्हें अपने बिजनेस पे भरोसा है और जो आगे चल के जिनके प्लान थोड़े से आगे चल के अच्छे खासे है कि हाँ 5 से 10 साल में यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म करके यहाँ बोरिंग को बिल्कुल कंपनी को नेट डेट फ्री या डेट फ्री करने के बाद यहाँ पर अच्छा खासा काम करेंगे। तो रिजर्व्स की बात करें कंपनी के रिजर्व्स बढ़ते हुए नजर आए हैं, जो कि 2 साल पहले तक यहाँ पर घाटे में थे, अभी देखिए यहाँ पर सितंबर 2021 में 3432 करोड़ के यहाँ तो पहले तो यहाँ पर रिजर्व्स है जो कि अच्छे खासे रिजर्व्स है। एज वेल एज बोरिंग की बात करें जो यहाँ पर 32 हजार करोड़ की बोरिंग थी, 23 हजार करोड़ की बोरिंग थी, वो रह के यहाँ पर हर क्वार्टर में कम कर रहे हैं और 5171 करोड़ की ही बोरिंग रह गई है। इसके अलावा वर्किंग प्रोग्रेस में देखेंगे तो 410 करोड़ रुपए यहाँ पर वर्किंग प्रोग्रेस में यहाँ पर लगे हुए हैं ऑलरेडी। और यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी ने यहाँ पर अपनी फिक्स एसेट जो इनके पास थी वो यहाँ पर सेल आउट करी है, यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 15000 करोड़ की यहाँ पर सेल आउट करी है और वो उसी से यहाँ पर इन्होंने अपनी बोरिंग को यहाँ पर चुकाया है। यहाँ पर आप देखिए और रिजर्व्स भी यहाँ पर जो नेगेटिव से वो धीरे धीरे यहाँ पर पॉजिटिव में आया है, तो फिक्स एसेट को थोड़ा सा बेचा है और यहाँ पर रिजर्व्स और एज वेल एज यहाँ पर इनकी बोरिंग कम हो गई है, जिसका फायदा इन्हें फ्यूचर में होता हुआ नजर आएगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें 112 और जो होता हुआ नजर भी आ रहा है। कैश की बात करें तो 253 करोड़ का यहाँ पर कैश भी है। और यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 26.02% की एज इट इज होल्डिंग बनी हुई है। एफआईज की बात करें तो एफआईज देखिए धीरे धीरे यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं और दिसंबर क्वार्टर में एक
1.02% की हिस्सेदारी थी। डीआईएस की बात करें, डीआईएस ने यहाँ पर हिस्सेदारी धीरे धीरे करके यहाँ पर कम करी और अभी 23% की हिस्सेदारी है। और यहाँ पर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास यहाँ पर 49 यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ती हुई नजर आ रही है, 49% की हिस्सेदारी है। तो यहाँ पर जेपी वीआई ट्रस्ट यहाँ पर देखेंगे तो इन्होंने 5.02% की हिस्सेदारी जो कि यहाँ पर नरेश चंद्र तलवार थे उनसे यहाँ पर लेते हुए नजर आए हैं। और मतलब एक हैंड से दूसरे हैंड में ही गई है, ज्यादा कुछ नहीं। और कुछ लोगों ने यहाँ पर हिस्सेदारी बेची भी है, तो इस चीज को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पब्लिक के पास हिस्सेदारी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि एक चिंता का विषय हो सकता है। नेगेटिव पॉइंट्स भी यहाँ पर बताता हुआ नजर आ रहा हूँ, क्योंकि जितनी पब्लिक के पास यहाँ पर बढ़ता है शेयर, याद रखिए वो एक नेगेटिव संकेत होता है, और जितना बेहतरीन बड़े बड़े लोगों के पास होता है उतना अच्छा रहता है। बट कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा आता रहा तो ये ऑब्वियसली बात है कंपनी काम करेगी। बट इस आपको हमेशा इस क्वार्टरली रिजल्ट के पे यहाँ पर ध्यान देना है, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आते रहे तो यहाँ पर FISDI जो अभी बेच रहे हैं ओके, वो दोबारा यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे, खरीदते हुए नजर आएंगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा बात कर रहे थे कंपनी का RSI 42 के RSI पे चल रहा है, और यहाँ जो वॉल्यूम है, याद रखिए जो ये वॉल्यूम नजर आ रहे हैं ना, यहाँ पर बेहतरीन वॉल्यूम नजर आते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं टारगेट से रिलेटेड बात करें तो देखिए यहाँ पर एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक शोल्डर बनाया, इसके बाद यहाँ पर हेड बनाया, हेड बनने के बाद यहाँ पर एक शोल्डर बनाया जो कि ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट भी हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे आता हुआ दिखाई दिया और यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दोबारा क्रिएट होती हुई नजर आई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप टाइम देंगे तो शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में दोनों यहाँ पर टारगेट से रिलेटेड हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं शॉर्ट टर्म के टारगेट की बात कर लेता हूँ। देखिए शेयर यहाँ पर प्राइस क्या चल रहा है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए 7.05 रुपये पे यहाँ पर शेयर प्राइस चल रहा है, और अगर आप यहाँ पर शेयर को बाइंग करते हैं ओके, और यहाँ पर ये शेयर यहाँ मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर 9.20 रुपये है, 9.25 रुपये, मतलब 2.20 रुपये भी यहाँ पर शेयर बढ़ता है, क्योंकि मुझे लगता है इसके रिजल्ट आने तक यहाँ पर बढ़ना चाहिए। बढ़ जाता है तो 31% का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है, और 31% का प्रॉफिट मतलब एक बेहतरीन प्रॉफिट माना जाता है, सबसे पहली बात। दूसरा यहाँ पर हम बात करें तो ये शेयर यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई को जिस दिन यहाँ तक जाने की भी कोशिश करेगा 57, अगर इसके रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं तो यहाँ पर ये टारगेट को भी अचीव करेगा। बट इस टारगेट के लिए अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल यहाँ पर 30% के टारगेट के लिए बात कर रहा हूँ, 9.20 रुपये के आसपास के टारगेट की बात कर रहा हूँ बस, ज़्यादा यहाँ पर टारगेट की बात नहीं कर रहा हूँ। और कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस दे रही है, जिस तरीके से अपने डेट को कम कर रही है, और जिस तरीके से इनके नंबर यहाँ पर पॉजिटिव आ गए हैं, तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने यहाँ पर इसका ऑल टाइम हाई भी अगर आप देखेंगे तो इसका ऑल टाइम हाई बहुत ऊपर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए इसका ऑल टाइम हाई बहुत ज़्यादा है, लगभग 84 रुपये के आसपास है। मैं यहाँ पर 84 रुपये की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर केवल सबसे पहले तो यहाँ पर इसके 9 रुपये की टारगेट की बात कर रहा हूँ, फिर बात कर रहा हूँ 11 रुपये की, और इसके बाद बात कर रहा हूँ इसकी बुक वैल्यू की। यहाँ पर आप जाएंगे बुक वैल्यू कितनी है, 15 की है। अगर बुक वैल्यू के आसपास भी ये शेयर यहाँ पर पहुँच जाता है तो बुक वैल्यू के आसपास शेयर का पहुँचना मतलब यहाँ पर आपके कितने परसेंट के टारगेट बनते हुए नजर आते हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर 15 रुपये के आसपास भी शेयर चला जाता है तो आपको 110%, 12% 14% तक के रिटर्न इजीली मिलते हुए नजर आते हैं। बट यहाँ पर ब्रेकआउट अगर होता है, जो कि मुझे लगता है कि अगर अच्छे नंबर आए तो ब्रेकआउट भी होते हुए नजर आएंगे, और ब्रेकआउट होने पर फिर एक बड़ा टारगेट, क्योंकि यहाँ पर एक कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। बट उसके लिए कंपनी का इस शेयर का परफॉर्म करना अच्छा जरूरी है। परफॉर्म कैसे करेगा, परफॉर्म करेगा नंबर के बेसिस पर। नंबर अगर अच्छे आते हैं तो अगेन यहाँ पर बाइंग करेंगे, बट अपने शेयर रिजल्ट से पहले अगर यहाँ पर 30% के रिटर्न मिल जाते हैं चुपचाप निकलने की राय रहेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर एंट्री ले चुका हूँ, और जैसे ही यहाँ पर ये टारगेट आएंगे मैं एग्जिट करूंगा, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे ही किया था। यहाँ पर 3 रुपये पे जब हमने खरीदा था, यहाँ पर 6-7 रुपये पे यहाँ पर बेच दिया था, उसके बाद गया था ऊपर, उसकी कोई टेंशन नहीं है। बट दोबारा यहाँ पर आ गया, दोबारा एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, चीजें अच्छी आती रहेंगी तो हम बार बार एग्जिट एंट्री करके अच्छा पैसा कमा लेंगे। तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है, जितना हो सके सीखना है, और सीखने के लिए वीडियोस को फॉलो करना है, कोई क्वेरीज को कमेंट करना है, हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाना है तो ये पर्टिकुलर नंबर है। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके ही यहाँ पर कोई पोजिशन लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।